हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोनू मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो आईटीटी क्वेश्चन थे 17.3 एक्सरसाइज के, उनको देखिए। 17.3 एक्सरसाइज का हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। हम जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 करा उसी प्रोसेस में ये सॉल्व होगा, तो देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, तो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, तो क्लास इंटरवल और क्या दे रखे हैं अपन को, एफ दे रखी है। क्लास इंटरवल में हमारे पास 625 to 35 फर्स्ट वैल्यू है, 25 to 35। हाँ, फिर है आगे वैल्यू अपने 35 to 45, फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 45 to 55, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 55 to 65, फिर नेक्स्ट वैल्यू है अपने पास 65 to 75। ठीक है, इस तरीके से अपन ने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट कॉलम में अपन को दे रखा है एफ आई। एफ आई की वैल्यू कितनी दे रही है, 6 10 8 12 4, 6 8 देखिए, 6 10 8 12 4, ठीक है। तो प्रोसेस होगी वही सेम रहेगी जो अपन ने पहले करा था। एफ आई एक्स आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्स आई पता करें, तो 25 प्लस 35 कितने हो गए अपने पास, देखिए 25 प्लस 35 अपॉन 2, 25 प्लस 35 तो हो रहे हैं 60 में 2 का डिवाइड करा 30, फिर 35 प्लस 45 कितने हो गए 80 में 2 का डिवाइड करा 40, ऐसे आगे निकालेंगे वैल्यू 50 60 एंड 70 आएगी, ठीक है। इसके बाद निकालना होगा अपन को एफ आई एक्स आई, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालने के लिए 6 into 30, 6 3 18, तो ये 180, फिर 10 into 40 400, 8 into 50 400, 12 into 60 720, 4 into 70 280, ठीक है। ये हो गया अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब क्या करना है, सम निकालना है, एक तो सिग्मा एफ आई का और एक सिग्मा एफ आई एक्स आई का। देखिए 0 और ये 8 कैरी 1 1980, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इधर इनको प्लस कर लेते हैं, कितने हो रहे हमारे पास, ये हो गए 40, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 40। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटिंग मीन यानी कि एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 1980 अपॉन 40, 0 से 0 कट, डिवाइड करना है 4 4 16 और 4 6 36 और ये हो गया 4 5 20, यानी 46.5 अपने पास इसके अप्रोक्स आंसर आ रहे हैं। देख लीजिए वापस एक बार कैलकुलेशन, यहाँ पर सॉरी 4 9 36 होंगे, हाँ ठीक है ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही प्रोसेस है, वापस से अपन को क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो उन्हीं की वैल्यू निकालनी है अपन को। देखिए क्लास इंटरवल फोर्टी टू फिफ्टी, फिफ्टी टू सिक्सटी,
सिक्सटी टू सेवेंटी, सेवेंटी टू एटी, एटी टू नाइनटी और नाइनटी टू हंड्रेड। ठीक है, इसके बाद एफ आई की वैल्यू। ठीक है, देखिए एफ आई की वैल्यू लिख रहे हैं अपन, दे रखी है उन्होंने टेन, ट्वेंटी फाइव, फिर ट्वेंटी एट, फिर ट्वेल्व, फिर टेन, फिर फिफ्टीन। ठीक है, ये हो गई एफ आई की वैल्यू। इसके बाद निकालना है अपन को एक्स आई। एक्स आई निकालने का वही तरीका, फोर्टी प्लस फिफ्टी, ये फोर्टी प्लस फिफ्टी अपॉन टू, फोर्टी प्लस फिफ्टी तो नाइनटी हो गए, अपॉन में टू डिवाइड करा दो फोर्टी फाइव, फिर आगे इसी तरीके से हम प्रोसेस से निकालेंगे तो फिफ्टी फाइव, सिक्सटी फाइव, सेवेंटी फाइव, एटी फाइव, नाइनटी फाइव। ठीक है, इसके बाद निकालना है अपन को एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टेन इंटू फोर्टी फाइव करें, फोर फाइव जीरो। ठीक है, ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी फाइव करें तो वन थ्री सेवन फाइव, ट्वेंटी एट इंटू सिक्सटी फाइव करें तो वन एट टू जीरो। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन, ट्वेल्व इंटू सेवेंटी फाइव, नाइन हंड्रेड। ठीक है, इसके बाद टेन इंटू एटी फाइव करेंगे तो एट फाइव जीरो, फिफ्टीन इंटू नाइनटी फाइव, वन फोर टू और फाइव। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास इसकी। अब निकालना अपन को सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई के लिए सबको प्लस करना होगा, फाइव और एट थर्टीन, थर्टीन और टू फिफ्टीन, और ये जीरो, ये टोटल हो गए टेन, हंड्रेड इनके सम आ रहा है। ठीक है, यहां वाले वैल्यूज का सम करते हैं, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं। देखिए जीरो, थ्री, एट, सिक्स एट थ्री जीरो, कितने आ रहे हैं अपने पास अप्रोक्स, सिक्स एट थ्री जीरो। अब निकालना है अपन को एक्स बार, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू सिक्स एट थ्री जीरो अपॉन में एफ आई की हंड्रेड, तो कितने हो जाएंगे अपने पास सिक्सटी एट पॉइंट थ्री, जीरो से जीरो कट गए और वन डिजिट के पहले पॉइंट लग गया। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए ध्यान से। मंथली सैलरीज ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज आर गिवन। देखिए मंथली सैलरी दे रखी है, तो सबसे पहले तो वही सैलरीज जो है अपन को एक्स निकालना ही पड़ेगा, यहां पे लिख देते हैं सैलरीज, क्या दे रखा है 1000 से 1200, फिर 1200 से 1400, फिर 1400 से 1600, फिर 1600 से 1700,
सॉरी 1800 और 1800 से 2000, ठीक है। इसके बाद अगली वैल्यू FI जो दे रखी है अपन को 10, 20, 10, 20, 20, 15 और 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट निकालना अपन को XI। XI निकालने का वही तरीका, 1000 प्लस 1200 कितने हो जाएंगे, 2200, उसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 1100, ठीक है। वापस से इस तरीके से करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 1300, 1500, 1700, 18, यहाँ पे 1900, ठीक है। अब निकालना है FIXL। FIXL निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखिए कितने हो जाएंगे 11000, इसको इससे कराएंगे 26000, इसको इससे कराएंगे 30000, फिर 15 को 17 से कराएंगे 0, 0, 2, 5, 5, 0, ठीक है। इनको इससे कराएंगे 9, 5, तो देखिए 0, 0, ये 9500, यहाँ आएगी वैल्यू सिग्मा FIXI की और यहाँ आएगी हमारे पास सिग्मा FI की। तो सिग्मा FI की आ रही है 70 और इसके आ रहे हैं 10, 2000, 10 और आगे 2000, यानी कितना हो गया टोटल, ये 1,02,000, ठीक है। अब इसके बाद निकालना है अपन को, ये टेबल हो गई कंप्लीट हमारी, X बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI डिवाइड करना है 102000 अपॉन में 70, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिवाइड करना है अपन को, तो 1457.14 अप्रोक्स इसके आंसर हमारे आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर है अपने 3, सेम वैल्यूज है, बस वहां पे क्या है केवल जो यहाँ वाली वैल्यू दे रखी है 100 में दे रखी है, यहाँ पे क्या है 1000 में, तो 10 का फर्क पड़ेगा, बाकी आंसर बिल्कुल डिटो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कंप्लीट करना, यहाँ तक करिएगा कंप्लीट, कोई भी डाउट रहे आपको तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं होगी।